एडमिशन के लिए जो भी छात्र छात्राएं अप्लाई कर चुके हैं, देखिए मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, कब से कब तक आप एडमिशन ले सकेंगे, तमाम बातों को आप जानने वाले हैं। न्यूज़ के अनुसार आप देखिए, इंटरमीडिएट सेशन हो गया 2023-25, यानी दो साल का इंटर होता है और इस बार अप्लाई किए हैं। तो देखिए 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपको वो जो है 27 जून को जो है कि ऑनलाइन जारी किया जाएगा। और इसके बाद देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आप 3 जुलाई तक जो कि एडमिशन करा सकेंगे, नामांकन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 जून को जो कि मेरिट लिस्ट जारी होगा और 3 जुलाई तक एडमिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेट दिया गया है, तो जैसे एडमिशन के लिए अप्लाई के लिए डेट दिया गया तो देखें कि आप कैसे कैसे बढ़ाते गया, तो उसी प्रकार से फर्स्ट लिस्ट के आधार पर ये जो डेट दिया है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो है कि सेकेंड होगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद जो है उससे भी जो स्टूडेंट छूट जाएंगे तो स्पोर्ट राउंड एडमिशन जो है कि होगा। तो आप लोग जो है कि तैयार हो जाइए, अभी तक जो है कि मार्कशीट जो है कि अपने स्कूल से नहीं लाए हैं तो मार्कशीट SLC प्रोविजनल जा कर के जो है कि प्राप्त कर लीजिए। अब जो है कि गर्मी की छुट्टी भी जो है कि समाप्त हो गई है तो स्कूल भी जो कि खुल गया है, नहीं प्राप्त किए तो प्राप्त कर लीजिए ताकि एडमिशन करवाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग जो है कि नामांकन में जो है कि छूट चाहते हैं और BC EBC SC ST के स्टूडेंट हैं तो आप जो है कि जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र भी जो है कि बनवा लीजिए, खास करके EBC कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट इनको जो है कि छूट मिलता है, जनरल वाले को तो छूट मिलता नहीं है। तो वो जो है कि बनवाइए कि नहीं बनवाइए उससे कोई जो है कि फर्क पड़ने वाला नहीं है। और EWS कैंडिडेट हैं तो वो भी बनवा लीजिए। तो यही जानकारी थी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी इस जानकारी का लाभ ले सके।